कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, आम जनता सभी इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अभी तक कोरोना आदिवासी समाज को नहीं छू पाया था, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के दौरान आदिवासी समुदाय इससे अछूता था। लेकिन देश में तांडव मचा रही दूसरी लहर ने आदिवासियों को भी अब नहीं छोड़ा है। खबर सामने आई है कि ओडिशा के जंगलों में बसे आदिवासियों तक भी कोरोना पहुंच गया है। ओडिशा के रायगढ़ जिले में स्थित नियमगिरी हिल्स में रहने वाले डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय का एक सदस्य हाल ही में कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद से अधिकारियों में चिंता का माहौल है। अधिकारी कोरोना संक्रमण के यहां तक पहुंचने की वजह का पता लगा रहे हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि सबसे ज्यादा संभावना है कि आदिवासी समुदाय के सदस्य आसपास के गांवों के बाजारों में जाने से संक्रमित हुए हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी समुदाय के बाकी गांवों में न फैले और संक्रमण की चेन को जल्द ही तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले की सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने इस सीमा को पहले ही सील कर दिया था। वहीं कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष रूप से कल्याण सिंहपुर ब्लॉक के अंदर आने वाले गांवों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। डोर टू डोर सर्वे के दौरान कई ग्रामीणों में कोरोना के थोड़े बहुत लक्षण मिले थे, जिसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया और गुरुवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि पॉजिटिव आने वाले मरीजों की हालत स्थिर है और वो आइसोलेशन में है। जानकारी के मुताबिक जिले में प्रशासन के जरिए गांवों में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। ग्रामीणों को वायरस से जुड़े किसी भी लक्षण के आने पर तुरंत अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं कोरोना को रोकने के लिए अधिकारी कई भाषाओं में बैठक कर रहे हैं, जिससे हर ग्रामीण तक उनकी बात पहुंच सके। आपको बता दें कि ओडिशा में शुक्रवार को कोरोना के 12,390 नए केस सामने आए हैं। वहीं 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा शुक्रवार को 8,665 लोगों ने कोरोना को मात दी। आपको ये भी बता दें कि देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक ओडिशा ही है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।